यदि सोच पा रहे हो तो इसी फंडामेंटल लाइन के अंदर ही हमें पता लग रहा है कि ये अधिकार किस तरीके का है। पता लगा पा रहे हो? संस्कृति यानी जो हमारी संस्कृति चली हुई आ रही है, और शिक्षा संबंधी अधिकार यानी शिक्षा तो हम ले रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं। समझ पाए थोड़ा सा? जो उसी के नाम के अंदर छिपा हुआ है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। यानी संस्कृति का मतलब हो गया जो हमारे रीति रिवाज है, जो संस्कृति है, चाहे वो किसी भी टाइप की। अगर आप उठा के देखिए, सभी धर्मों के अलग अलग है, सभी धर्मों में अलग अलग संस्कृतियां बटी हुई है कि उसको इस तरीके से हाथ जोड़ने, उसको इस तरीके से नमस्कार करनी है, उसको इस तरीके से आदाब करना है, शुक्रिया अदा करना है। तो ये सारी चीजें संस्कृति के अंदर आ जाती है। और शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार का मतलब हो गया हमें अपनी जो शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, अर्थात जो हम शिक्षा पाने के लिए स्वतंत्र है, वो हमें शिक्षा का जो अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ये हमें सिखाता है। अब इसको थोड़ा मैं हल्का सा डिटेल में लेना चाहूंगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इसमें उन्होंने लिखा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को मौलिक अधिकार माना गया है। यानी हमारा फिफ्थ फंडामेंटल राइट है। ये अधिकार समाज के सभी वर्गों को अपनी संस्कृति को संरक्षित करना, यानी उसको बचाना, ये जो फंडामेंटल राइट है, हमें हमारी संस्कृति, जो हमारी संस्कृति चली हुई आ रही है, उसको संरक्षित करने के लिए, यानी उसको बचाने के लिए हमें दिया गया है। संरक्षित रखने और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देते हैं। इन अधिकारों के बारे में ज्यादा जानकारी आगे बताते हैं। संस्कृति अधिकार से तात्पर्य है कि समाज के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, रीति रिवाज को संरक्षित करने का अधिकार ही हमें सिखाता है। हमें अपनी भाषा बोलना, मदर टंग क्या है हमारी हिंदी, उसको बोलना, रीति रिवाज जो चले आ रहे हैं उसके बारे में जानना, उसके उनको फॉलो करना। तो ये जो अधिकार है, ये हमारी संस्कृति और हमें शिक्षा पाने के लिए हमें संरक्षित करता है, हमें आगे बढ़ावा देता है कि हमें शिक्षा भी पानी है। इंस्टीट्यूशन को जो मान्यता प्राप्त होती है वो इसी अधिकार के तहत होती है। आप यदि इस स्कूल में बैठे हैं, मान्यता प्राप्त है, तो गवर्नमेंट ने जो मान्यता दी है, जीता जान का उदाहरण बता रहा हूं मैं प्रैक्टिकल। आप शांति निकेतन इंटर कॉलेज में बैठे हैं, यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने मान्यता प्राप्त करवाई है, जो हमें मान्यता मिली है, वो इस अधिकार के तहत मिली है। बहुत बड़े बड़े अधिकार है, फंडामेंटल राइट जो है, अगर एक फंडामेंटल राइट पाओगे तो शायद ठीक से पढ़ नहीं पाओगे पूरे एक साल, इतने लंबे लंबे छोटे छोटे अधिकार है, बहुत सारी बातें इनके अंदर है। लेकिन आपको केवल इतनी जानकारी दी जाती है कि आप नॉर्मली इसको समझ पाए और बता पाए किसी को कि संस्कृति और शिक्षा का जो संबंधित अधिकार है, ये हमें क्या बताता है। तो ऑल ओवर अगर कंक्लूजन निकाले तो हमें ये बताता है शिक्षा संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार कि हम पढ़ने के लिए स्वतंत्र है, इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए स्वतंत्र है, और अपने जो रीति रिवाज है, अपनी जो भाषा है, उसको बोलने के लिए स्वतंत्र है, संरक्षित किया हुआ है इस अधिकार में। समझ पाए मेरी बात? परिणति समझ लिया? नहीं तो आर्टिकल वगैरह में फंस गए ना, 29, 31, 23, तो इनमें तो बहुत लंबे लंबे आर्टिकल्स हैं।